नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं टॉप फाइव न्यूज। G20 में शामिल न होने पर विदेश मंत्री ने दिया बड़ा बयान। भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए तैयार है। कुछ ही दिनों में दुनिया भर के प्रमुख नेता दिल्ली आने वाले हैं। इस साल देश में यानी कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक G20 बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 70 आर्म्ड रिकवरी व्हीकल आर्मी ने शुरू किया प्रोसेस। भारतीय सेना ने अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 170 बख्तर बंद रिकवरी वाहन खरीदने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू कर दी है। वहीं अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि ARV की खरीद मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के ढांचे के तहत। संसद का विशेष सत्र बुलाने के पीछे की मंशा, कांग्रेस सांसद ने की सरकार से ये बड़ी मांग। इंडिया बनाम भारत विवाद ने देश में सियासी भूचाल ला दिया है। वहीं विपक्ष केंद्र सरकार पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि देश को इस विशेष सत्र की खासियत नहीं पता। कर रहे अन्नदाता किसानों पर शर्मनाक बयान देकर घिरे कर्नाटक के मंत्री। देश में किसानों की खुदकुशी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में कई अन्नदाता कर्ज की बोझ से संघर्ष करते करते अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं। किसानों को उम्मीद होती है कि सरकार उनकी मदद करेगी, लेकिन कभी कभी नेता कितने असंवेदनशील होते हैं कि उनकी एक वानगी हमारे तक क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। मेट्रो के लिए भी नई गाइडलाइन। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी के आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कुछ सरकारी कार्यालयों को सुरक्षा जांच के लिए बंद किया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।